Hello fam, welcome to my channel Mahi Mello presenting Sundays at Tiffany's. ये एक लड़की और एक काल्पनिक लड़के की लव स्टोरी है, एक ऐसे काल्पनिक लोग जो सिर्फ ऐसे बच्चों के साथ रहते हैं जिन्हें इनकी ज़रूरत होती है और जो अकेले होते हैं और सिर्फ इन्हें ही दिखाई भी देते हैं। जैसे हम भी अपने बचपन में कभी कभी खुद से बातें कर लिया करते थे और कुछ भी इमेजिन कर लिया करते थे, पर क्या हो जब ये इमेजिनेशन हकीकत बनकर हमारे सामने आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के ये कहानी। शुरुआत में हम जैन नाम की एक छोटी लड़की को देखते हैं जिसका क्रिसमस ईव को 10th बर्थडे होता है और वो अपनी मॉम और माइकल नाम के एक छोटे लड़के के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने रेस्टोरेंट जा रही होती है। और यहाँ हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि उसकी मॉम खुद में ही बहुत ज़्यादा बिजी होती हैं और वो अपने थिएटर के काम के लिए यहाँ पर बस आई होती हैं। वो जैन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और ये सब देख कर जैन बहुत सैड हो जाती है। तभी माइकल उसका मूड ऑन करने के लिए कहता है, जैन पीछे देखो, मैंने आज तक इससे खूबसूरत लड़की कहीं नहीं देखी है। और जैसे ही वो पीछे पलटती है उसे शीशे में अपना रिफ्लेक्शन दिखता है और इससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। दोस्तों यहाँ हम जैन और माइकल को देखते हैं जो काफ़ी अच्छे दोस्त होते हैं और ये 24 घंटे एक दूसरे के साथ रहते हैं। अपने मॉम का अटेंशन ना मिल पाने की वजह से जैन काफ़ी अकेली होती है और इसी वजह से माइकल नाम का एक काल्पनिक लड़का उसका बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। अब जैन की मॉम उसे गिफ्ट दिलाने के लिए ज्वेलरी शॉप में लेके जाती हैं और वहाँ पर उसे येलो डायमंड रिंग पसंद आता है। माइकल कहता है कि ये रिंग मैं तुम्हें तुम्हारे शादी वाले दिन ज़रूर दूंगा। वो कहती है, पर शादी के दिन तो हम वाइट डायमंड्स बस पहनते हैं। तो माइकल कहता है, कुछ रूल्स तोड़ने के लिए बने होते हैं और तुम तो स्पेशल हो, जैसे कि ये रिंग, तो ये तुम्हारी ज़रूर होने चाहिए। तभी वो टाइम देखती है और कहती, वाओ मैं 10 साल की होने वाली हूँ। माइकल कहता है कि हाँ, अब तुम समझदार हो गई हो, अब तुम खुद से डिसीजन ले सकती हो जहाँ तुम अपना बचपना भूलने लगोगी। जैन कहती है कि मतलब तुम कहना क्या चाहते हो। माइकल कहता है, अब तुम तैयार हो अपने पैरों पे खड़े होने के लिए, इसलिए अब मुझे यहाँ से जाना होगा अपनी दुनिया में। जैन पूछती है, पर क्यों और कब तक के लिए। माइकल बताता है, हमेशा के लिए, क्योंकि ये एक रूल है, हम सिर्फ 10 साल तक ही किसी बच्चे के साथ रह सकते हैं, इसके बाद सभी काल्पनिक लोगों को ये दुनिया छोड़ के जाना होता है। तुम परेशान ना हो, तुम तो बहुत स्ट्रांग हो और जल्द ही तुम ये सब भूल जाओगी। जैन रोने लगती है और कहती है, तुम्हें ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया। माइकल कहता है, मैं एक सही मौके के तलाश में था, पर मुझे आज तक लगा ही नहीं कि कोई सही टाइम भी है। जैन इसे बहुत रोकने की कोशिश करती है और कहती है कि तुमसे अच्छा मुझे यहाँ पे कोई नहीं समझ सकता, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। माइकल भी रोने लगता है और कहता है, तुम मेरी धड़कन हो और प्यार वही है जो कभी भी अलग नहीं होता। और फिर माइकल गायब हो जाता है। इसके बाद से जैन पागलों की तरह रोती और बहुत चिल्लाती है, पर वो वापस नहीं आता। अब यहाँ से कहानी सीधे 20 साल आगे बढ़ जाती है जहाँ हम जैन को देखते हैं जो 30 साल की हो गई है और वो अपनी शादी की तैयारियां कर रही होती है। और इसका फियोंसे जिसका नाम ह्यू है वो एक फेमस एक्टर होता है जो सिर्फ अपने तारीफों में लगा होता है, जिसे सिर्फ अपनी परवाह होती है जैन की नहीं, और इसे इसकी मॉम ने चूज किया होता है। जैन भी अपनी मॉम के साथ उनके थिएटर में काम करती है। वो प्रिटेंड करती है कि वो खुश है, उसके पास सब कुछ है, पर वो अंदर से कहीं खो सी गई होती है। ह्यू ने उसे लाइव शो में 6 महीने पहले प्रपोज किया था और शायद इसी वजह से जैन उसे मना नहीं कर पाई होती है। जैन अपना वेडिंग रिंग लेने ज्वेलरी शॉप में जाती है और उसे अचानक माइकल की याद आती है और जैसे ही वो बाहर निकलती है रोड के दूसरी तरफ माइकल खड़ा होता है, पर वो उसे पहचान नहीं पाती क्योंकि माइकल भी अब बड़ा हो चुका है। माइकल उसे देखता रह जाता है और तभी सामने से एक ड्राइवर उसे रोड से हटने को बोलता है। इस पे माइकल शॉक्ड हो जाता है और पूछता है, क्या तुम मुझे देख सकते हो। वो बोलता है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें देख सकता हूँ, अब हटो यहाँ से। फिर माइकल जैन के पीछे पीछे जाने लगता है और वो जहाँ भी जाती है जैन घबरा जाती है और उससे पूछती कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। वो उससे बोलता है, मैं तुम्हारा इमेजिनरी दोस्त हूँ। वो यकीन नहीं करती। फिर माइकल उसे बचपन की सारी बातें बताता है जो पल उन्होंने एक साथ बिताया था और उसे याद दिलाने की कोशिश करता है, पर वो यकीन नहीं करती। ये सब सुनकर जैन को एक सपना सा लगता है और वो सीधे अपनी फ्रेंड के पास जाती है और उससे पूछती है, क्या मैं बीमार हूँ। वो सारी बातें उसे शेयर करती है। इस पर उसकी दोस्त कहती है कि हो सकता है वो एक्टिंग करके तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा हो ताकि तुम इसे अपनी मूवी में ले सको, ये कोई प्रैंक हो। वो बोलती, हाँ शायद तुम सच बोल रही हो। फिर वो वहाँ से जब निकलती है तो फिर से सामने माइकल आ जाता है। वो गुस्से में बोलती है,
तुम यहाँ से जाओ वरना मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। माइकल बोलता है, मैं तुम्हें तुम्हारी बर्थडे पर छोड़ के गया था 5:15 पे, और तुम उस दिन बहुत रोई थी, याद है ना। और ये सुनकर फाइनली जैन को यकीन हो जाता है और वो बहुत इमोशनल हो जाती है और पूछती कि तुम यहाँ कैसे। जब मैं छोटी थी मुझे एक इमेजिनरी फ्रेंड की ज़रूरत थी क्योंकि मैं उस टाइम अकेली थी, पर अब मैं बहुत खुश हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, अच्छी जॉब है, मेरे पास अच्छे घर है और एक हैंडसम सा फियांसे है जिससे हर एक लड़की शादी करने के लिए मरती है, तो फिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो। माइकल कहता है, मुझे भी नहीं पता। फिर दोनों बातें करते हैं और वो पूछता है कि बताओ ना 10 साल के बाद से अभी तक तुमने क्या क्या किया और अब तुम हमारा स्टोरी गेम खेलती हो या नहीं, और तुम्हें तो राइटर बनना था ना, तो फिर ये क्या है। इस पे जैन रूडली बोलती है, बचपन के ड्रीम सीरियस नहीं होते और अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मेरे पास खुद की एक लाइफ है, जिम्मेदारियाँ हैं। और ये सब सुन के माइकल को बहुत हर्ट होता है क्योंकि अब पहले जैसे हंसते खेलते रहने वाली जैन पूरी तरह से बदल चुकी है। फिर माइकल वहाँ से चला जाता है और तभी उसे वहाँ पे उसी के दुनिया का एक काल्पनिक बच्चा दिखता है। माइकल उसे अपनी बातें शेयर करता है और बताता है कि ऐसा लगता है कि जैसे वो मुझसे अब बहुत डरती है और वो बहुत दूर जा चुकी हो। वो छोटा लड़का कहता है, उसे ब्लेम मत करो, मैं भी तुम्हें देख के डर गया इतने बड़े और इंसान के रूप में, पर मेरे ख्याल से तुम ज़्यादा दिन के लिए यहाँ पे नहीं हो, शायद जैन के नेक्स्ट बर्थडे को तुम वापस हमारी दुनिया में आ जाओ, क्योंकि तुम हमेशा के लिए इंसान नहीं बन सकते, रूल्स तो रूल्स हैं। और तुम्हें ये जानना होगा कि जैन को क्या परेशानी है, क्या ज़रूरत है जिसे कंप्लीट करने आए हो तुम यहाँ पे। और फिर सीन चेंज होता है और हम जैन और उसके फियांसे ह्यू को देखते हैं जो डिनर करने जाते हैं, और ह्यू हमेशा की तरह अपने फेम और तारीफों के पुल बांध रहा होता है। तभी अचानक वहाँ पे माइकल आ जाता है। जैन ह्यू से माइकल को बचपन का दोस्त बोल के मिलवाती है और ह्यू पूछता है कि तुम्हारा प्रोफेशन क्या है। इस पर माइकल बताता है कि जिन बच्चों को मेरी ज़रूरत होती है मैं उनकी हेल्प करता हूँ। तभी जैन कहती है, हाँ क्योंकि ये एक टीचर है। फिर ह्यू अपना फेवरेट फूड ऑर्डर करता है अपने और जैन के लिए। ये देखकर माइकल कहता है, मशरूम, इससे तो जैन को एलर्जी है और उसका फेवरेट फूड तो कुछ और है। ये सब सुन के थोड़ा सा ह्यू को अजीब सा लगता है क्योंकि जो बातें उसे नहीं पता होती हैं वो सब माइकल को पता होती हैं। माइकल कहता है कि ह्यू तुम जैन से शादी करने वाले हो, तुम बहुत लकी हो, ये बताओ कि इसके बारे में तुम्हें क्या क्या पसंद है। ह्यू सोच के बोलता है कि ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, मेरे लाइफ मेरा स्केड्यूल टाइम से चलाती है और इसी की वजह से मैं सब कुछ कर पाता हूँ। ये सुनकर माइकल कहता है, ये सब तो एक घड़ी भी कर सकती है, मेरा मतलब है कि जैन की क्या ऐसी चीज़ है जिसे तुम प्यार करते हो, जैसे कि ये बहुत फनी है, क्रिएटिव है और भी बहुत कुछ। ये सुनकर ह्यू जेलस होता है और वो मना करता है माइकल से मिलने के लिए। जैन कहती है, ठीक है अब मैं उसे नहीं मिलूंगी। और जब वो घर पहुंचती है तो उसके घर के बाहर ठंड में माइकल बेंच पे सो रहा होता है और उसे देखकर जैन को अच्छा नहीं लगता और बहुत सोचने के बाद वो उसे अपने घर में लेके आती है। माइकल उससे पूछता है कि क्या तुम सच में ह्यू को प्यार करती हो, वो बोलती है हाँ। जैन का घर पूरा बिखरा होता है क्योंकि उसने पेंट कराया था और कहती है कि ह्यू ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मेरी हेल्प करेगा, पर छोड़ो वो हमेशा ऐसे ही करता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो जैसे ही आँख खोलती है वो देखती है उसके बगल में माइकल सोया है। वो डर जाती है और चिल्लाती कि तुम यहाँ कैसे। वो कहता है, मुझे लगा कि अभी भी तुम्हें अंधेरे से डर लगता होगा। अब वो अपने जॉब के लिए जाती है और वापस आके देखती है तो माइकल ने अकेले उसका पूरा घर डेकोरेट कर दिया है, हर चीज़ अरेंज कर दिया और उसका फेवरेट फूड रखा होता है। जैन बहुत खुश हो जाती है और कहती कि आज तक मेरे लिए इतना किसी ने नहीं किया। अब नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों वेडिंग प्लानिंग साथ में करते हैं और जिन चीज़ों को जैन 6 महीनों से डिसाइड नहीं कर पा रही थी माइकल फटाफट उसके पसंद के अकॉर्डिंग सब कुछ सेलेक्ट करा देता है। और जब वो अपनी वेडिंग ड्रेस ट्राई करती है तो माइकल उसे देखता रह जाता है और कहता है, तुम बहुत खूबसूरत हो। और दोनों एक दूसरे में खो से जाते हैं और जैन को ऐसी फीलिंग फर्स्ट टाइम आ रही थी। तभी जैन कहती है, मुझे यहाँ से जाना होगा, और वो सीधे अपने फ्रेंड के घर पे जाती है और उसे सब कुछ बताती है। इसकी फ्रेंड कहती है, आज तक तुम्हें मैंने इतना खुश कभी नहीं देखा। वो कहती है, नहीं मैं ह्यू को प्यार करती हूँ, और वहाँ से वो चली जाती है। माइकल कहता है, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, हमने 6 महीनों का काम जो इतनी जल्दी ख़त्म कर लिया। फिर ये दोनों बार में जाते हैं और एक साथ डांस करते हैं और बहुत मस्ती करते हैं। जैन पहली बार ये सब खुशी फील कर रही होती है और वो माइकल की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। हर दिन माइकल कुछ ऐसा करता जिससे जैन की खोई हुई हंसी बचपना वापस आ जाता। और एक दिन ये दोनों पिलो फाइट कर रहे होते हैं तभी वहाँ ह्यू आ जाता है और ये सब देखकर वो बहुत गुस्सा करता है। जैन कहती है कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बस इसके पास रहने की जगह नहीं है, कोई जॉब नहीं है, बस इसीलिए वो यहाँ पे रह रहा है। पर ह्यू कुछ नहीं सुनता और चला जाता है। जैन माइकल से कहती कि सॉरी, पर ह्यू मेरा फ्यूचर है और मैं उसे नहीं खो सकती। अब हम बच्चे नहीं है, तुम भी अब बड़े हो जाओ। फिर
माइकल वहां से चला जाता है और एक रेस्टोरेंट में काम करना शुरू कर देता है। इन दोनों को काफी दिन हो जाते हैं एक दूसरे को देखे हुए और माइकल दिन रात उसी के बारे में सोचता रहता है। और एक दिन जब ह्यू अपने काम से आउट ऑफ टाउन गया होता है तो जैन की दोस्त उससे कहती है कि तुम्हें एटलीस्ट उसे एक बार तो जरूर मिलने जाना चाहिए, उसने इतने कम टाइम में तुम्हें इतनी सारी खुशियां दी हैं। और बहुत सोचने के बाद वो डिसाइड करती है कि वो उससे मिलने जाएगी। और जैसे ही वो रेस्टोरेंट पहुंचती है वहां एक स्पेशल जैन्स मेन्यू लिखा होता है जिसमें सिर्फ जैन के फेवरेट फूड्स और स्नैक्स होते हैं और माइकल वहां का शेफ बन गया होता है। वो ये सब देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है और उसे हग कर लेती है और इसके बाद ये दोनों बहुत ही क्लोज आ जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग माइकल कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बताना है। वो कहती है कि मुझे पता है और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये सुनकर माइकल नहीं बता पाता कि अब उसे दोबारा उसे छोड़ के जाना होगा क्योंकि जैन अब खुश है। फिर जैन अपने फ्यूचर को लेके जब माइकल से बात करती है तो माइकल कहता है कि मुझे वापस जाना होगा, जैन मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। वो कहती है फिर तुम आए ही क्यों, तुम अगर मुझसे प्यार करते तो मुझे छोड़ के कभी नहीं जाते, मैंने तुम पर ट्रस्ट किया, अब प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारा चेहरा कभी भी नहीं देखूंगी, मैं तुम्हारे बारे में एक सेकेंड के लिए भी नहीं सोचूंगी, तुम बहुत बुरे हो। और फिर वो रोते हुए वहां से चली जाती है। माइकल भी रोने लगता है और बोलता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अंदर से मर रहा हूँ। ये सुनकर बगल में खड़ा एक बूढ़ा आदमी कहता है जब दिल टूटता है तो एक इंसान को ऐसा दर्द ज़रूर होता है। फिर सीन चेंज होता है और क्रिसमस इवनिंग आता है, जैन का बर्थडे और वेडिंग डे। जैन तैयार हो रही होती है और उसकी फ्रेंड कहती है कि अब भी ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, तुम शादी रोक सकती हो। वो बोलती है नहीं ये सही है मेरे लिए, ह्यू एक अच्छा इंसान है। इस पर उसकी दोस्त कहती है कि जैन हमेशा सही चॉइस बेस्ट चॉइस नहीं होती है। फिर वो स्टेज पे जाती है और उसे अजीब सा लगता है। फिर वो कहती है ह्यू से कि मुझे तुमसे बात करनी है, तुम ये बताओ कि मेरा फेवरेट कलर क्या है, मेरा फेवरेट फ्लावर क्या है। वो उसके किसी भी सवाल का सही जवाब नहीं दे पाता क्योंकि ह्यू ने आज तक जैन को कभी जानने की कोशिश ही नहीं की होती है। इस पर जैन कहती है कि माइकल को सब पता है। ह्यू कहता है कि माइकल को तुम फिर बीच में लेके आई। जैन कहती है कि ये उसके बारे में नहीं है, वो अब जा चुका है, ये मेरे और तुम्हारे बारे में है, मैं ये शादी नहीं कर सकती, मुझे पता है कि प्यार कैसा फील होता है और ये प्यार नहीं है। और वो वहां से भागते हुए वहां पे जाती है जहां पर पिछली बार माइकल इसे छोड़ के गायब हुआ था। और जब वो वहां पे पहुंचती है तो माइकल वहीं पे खड़ा होता है और जैन उसे जोर से हग कर लेती है और कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और बचपन से करती हूँ, तुम मेरे सोलमेट हो और मेरा सच्चा प्यार। माइकल कहता है कि मेरी लाइफ का बेस्ट पार्ट तुमसे प्यार करना था और मैं हमेशा तुम्हें करता रहूंगा। वो कहती है रुक जाओ ना प्लीज। माइकल कहता है कि ये मेरे बस में नहीं है। वो बोलती है मैं क्या करूंगी तुम्हारे बिना। फिर दोनों बहुत रोते हैं और माइकल चला जाता है। जैन एकदम से टूट जाती है और जब वो ज्वेलरी शॉप से बाहर निकलती है तो सामने उसके माइकल खड़ा होता है। जैन को यकीन नहीं होता कि ये सच है। वो कहता है मैं इस बार जा नहीं सका, जब तुम छोटी थी तो मैं तुम्हारे पास आया क्योंकि तुम्हें मेरी जरूरत थी, पर इस बार मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं तुम्हारे बिना एग्जिस्ट नहीं करता। जैन पूछती है और उन रूल्स का क्या। वो कहता है कुछ रूल्स तोड़ने के लिए बने होते हैं। और फिर वो उसे वो येलो डायमंड वाला रिंग देता है जो उसे बचपन में उसने प्रॉमिस किया था। और इसी के साथ ये लव स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, अगर आई तो प्लीज वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।